बड़ी खबर का जो राजधानी रायपुर से मिल रही है, छत्तीसगढ़ में कोरोना के 6 मरीज डिस्चार्ज हुए, तो वहीं 3 नए मामले सामने आए हैं। 3 मरीज पॉजिटिव में 2 महिला और 1 पुरुष शामिल है। छत्तीसगढ़ का हॉटस्पॉट बने कठगोरा से कोरोना के फिर 3 नए मरीज मिले हैं। कोरबा में कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है। प्रदेश में कोरोना के 13 एक्टिव मरीज जिनका एम्स में इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में 36 कोरोना मरीजों में 23 घर लौटे हैं, 13 मरीजों का अभी इलाज जारी है। आपको बता दें कि 3 नए मिले हैं राजधानी रायपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, आपको बता दें कि 3 मरीज जहां नए मिले हैं, तो वहीं 6 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया था। एक तरफ जहां राहत की खबर सामने आई थी 6 मरीजों को डिस्चार्ज किया, तो वहीं चिंता में डालने वाली एक और खबर सामने आई है जहां 3 मरीज और सामने आए हैं रायपुर से। आपको बता दें कि ये कठपुरा वही इलाका है जिसको हॉटस्पॉट घोषित किया है, और उससे पहले भी कई सारे मामले इस इलाके से सामने आ चुके हैं, और लगातार जो छत्तीसगढ़ में आंकड़ा है वो भी बढ़ता जा रहा है। कुछ समय पहले छत्तीसगढ़ के लिए राहत भरी बात मानी जा रही थी कि प्रदेश में हालात अच्छे हैं, बावजूद इसके अब जो धीरे धीरे खबर सामने आ रही है उसमें आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। उसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता सुप्रिया पांडे जुड़ गए हैं। सुप्रिया, छत्तीसगढ़ के लिए राहत भरी खबर मानी जा रही थी, पर कठगोरा जो इलाका है वो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। जो आंकड़ा है वो लगातार इसी क्षेत्र से बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, कठगोरा से जो है लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जितनी तेजी से मरीज जो ठीक हो रहे हैं उतनी ही तेजी से आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कल ही 6 मरीज जो है वो स्वस्थ होकर घर लौटे थे, तो वही 24 घंटे भी नहीं बीते थे और 3 नए मरीज कोरोना के जो है वो सामने आ गए। तो छत्तीसगढ़ का हॉटस्पॉट बने कठगोरा से लगातार जो है अब तक 28 सॉरी माफ कीजिएगा कठगोरा से 27 और कोरबा से 1, तो टोटल कोरबा से 28 मरीज जो है वो सामने आए हैं। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में 36 मरीज जो है वो टोटल है कोरोना संक्रमित, जिसमें से 23 मरीज जो है वो ठीक हो चुके हैं, तो वही 13 मरीजों का इलाज जो है वो जारी है। सुप्रिया, छत्तीसगढ़ में जो आंकड़े हैं वो बाकी राज्यों से काफी कम है, तो कहीं ना कहीं जांच की भी बात सामने आ रही थी। अगर ताजा हालात उठाकर देखें तो जांच किस स्तर पर की जा रही है, एक दिन में कितने लोगों की जांच हो रही है? एक दिन में तो काफी लोगों की जांच हो रही है, और छत्तीसगढ़ में अभी जो भीमराव अम्बेडकर कॉलेज है वहाँ पर भी जांच की जो सुविधा है वो उपलब्ध हो गई है, और साथ ही ऐप की जरिए जो जांच है वो की जा रही है। कठगोरा से भी काफी लोगों की जांच की गई है, अभी तक कठगोरा में 400 से अधिक लोगों की जांच जो है वो की जा रही है, लेकिन अभी भी पूर्णतः जो सभी मरीज है उसकी जाँच अभी हुई नहीं है, सॉरी सभी जो लोग हैं वहाँ उसकी जांच से पूरी तरह से हुई नहीं है, तो और भी जो मामले हैं वो सामने आ सकते हैं क्योंकि जांच हुई नहीं है। तो इस तरह से हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है उसी इलाके से, और कितने सैंपल हैं जिनकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है? अभी बहुत सारे सैंपल जो है वो बाकी है, उनकी रिपोर्ट आनी बाकी है, और साथ ही जो कठगोरा है वहाँ पर सभी की जांच नहीं हुई है, और जो भी जमाती था वो काफी लोगों से मिला जुला था, तो उन सभी की जांच जो है वो होनी बाकी है। और कठगोरा की आबादी जो है वो काफी ज्यादा है, थोड़ी ज्यादा है, इस वजह से वहाँ पर अभी जांच की जो है वो भी अवेलेबल नहीं थी छत्तीसगढ़ में, तो इस तरह से सभी की जांच जो है वो होनी बाकी है, और रिपोर्ट जब सबकी सामने आएगी तो ही पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ में कोरोना से कितने जो मरीज है वो संक्रमित पाए गए। शुक्रिया, तो कहा जा सकता है कि आंकड़ा भी और बढ़ सकता है। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।